एक बार माँ लक्ष्मी ने भगवान नारायण से पूछा, बोले प्रभु आज हम जब मृत्युलोक से गुजर रहे थे तो हमने मृत्युलोक में एक चीज देखी। बोले क्या देखा? बोले हमने मृत्युलोक में देखा कि एक स्त्री आगे आगे दौड़ रही है, उसके पीछे एक पुरुष दौड़ रहा है और वो पुरुष हर बार स्त्री का हाथ पकड़ता है, हाथ पकड़ करके कहता है कि आप किसी से कहना मत, आप इस बात को किसी से कहना मत। लेकिन वो स्त्री ना कोई जवाब दे रही है, ना तो हाँ कर रही है, ना तो मना कर रही है, केवल दौड़ती जा रही है। तो प्रभु इसका चक्कर क्या है, क्या है ये? भगवान नारायण कहते हैं वो स्त्री के पीछे जो पुरुष दौड़ रहा है वो दोनों पति पत्नी हैं और वो अपनी पत्नी को रोकने की कोशिश कर रहा है। वो बार बार कहता है कि इस बात को कहना मत, ये एक लंबी कहानी है और इसको हम आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन उस स्त्री ने अपने पति को बिल्कुल बस में कर रखा है। माँ लक्ष्मी कहने लगी, प्रभु अब तो मेरे दिमाग में दो प्रश्न हो गए, क्या ऐसा हो सकता है कि स्त्री अपने पति को बस में कर ले? बोले हाँ हो सकता है। तो प्रभु कैसे स्त्री अपने पति को बस में कर सकती है, कैसे स्त्री अपनी बात अपने पति से मनवा सकती है? और दूसरा प्रश्न मेरा प्रभु आपसे ये है कि संसार में सबसे बड़ा मूर्ख कौन होता है, सबसे बड़ा पागल कौन होता है? नारायण भगवान कहते हैं, लक्ष्मी तुम्हारे दोनों बहुत सुंदर प्रश्न हैं, कलयुग में जो कोई इन प्रश्नों के उत्तर सुनेगा वो कभी भी जीवन में दुखी नहीं रहेगा। बस आपसे निवेदन है कि हम आपको एक कहानी के माध्यम से इन दोनों प्रश्नों के उत्तर देंगे। इस कहानी को भी बताएंगे आपको कि वो कौन थे, वो क्या कहना चाहता था अपनी पत्नी से, लेकिन उसकी पत्नी मानने के लिए तैयार नहीं है, उसने अपने पति को बस में कैसे कर लिया है। बस आपसे गुजारिश ये है कि केवल आप कहानी को पूरा ज़रूर सुनना। भगवान नारायण माँ लक्ष्मी को कहानी सुनाते हैं। दोस्तों उससे पहले आपसे निवेदन है, अगर आप हमारे गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल पर नए दर्शक मेहमान बंधु बनकर के आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें, जिससे माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करूँगा, हे माँ जो कोई चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में माँ लक्ष्मी लिखे उनके परिवार के ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखना, उनके परिवार में कभी दुखे या कलह नहीं आए। तो दोस्तों आओ आपका समय ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए गौर करते हैं कहानी की तरफ। भगवान नारायण समझाते हैं लक्ष्मी, प्राचीन काल की बात है। प्राचीन काल में किसी नगर में एक राजा था और उस राजा के घर में एक राजकुमार था। राजा के घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, लेकिन समस्या एक बन गई कि जो राजकुमार था यानी जो उस राजा का लड़का था वो किसी उसी नगर की एक गरीब लड़की से प्यार करने लगा। उस गरीब लड़की के प्यार के चक्कर में फंस गया है। अब तो उसने केवल एक ही विचार किया है कि अगर मैं इस गरीब की लड़की है इससे अगर शादी करता हूँ तो मेरे पिता क्या कहेंगे, और अगर इस बात को हमारी प्रजा में मालूम पड़ेगा, सब लोगों के सामने ये बात खुल करके आएगी कि राजकुमार उस लड़की से प्यार करता है अपने ही नगर में, तो फिर और ज़्यादा समस्या हो जाएगी, हमारे पिता की नाक कट जाएगी, हमारे पिता की बात बिल्कुल धूल में मिल जाएगी। आज उस राजकुमार ने अपने सपनों को दबा लिया है सिर्फ और सिर्फ इसी कारण बस कि मेरे पिता की इज्जत खराब हो जाएगी। अब वो लड़की से प्यार तो बहुत करता है, छुप छुप करके उस लड़की से मिलता है, लेकिन उसकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उस लड़की से शादी कर ले। लेकिन जब वो राजकुमार समझदार हुआ तो दोस्तों आप लोग भी जानते हो कि जब कोई लड़का विवाह के योग्य हो जाए तो उसके शादी वाले आने लगते हैं, तो आसपास के जो दूसरे नगरों के राजा थे वो राजा लोग आने लगे हैं अपनी अपनी बेटी का रिश्ता लेकर के। अब वो राजकुमार विचार कर रहा है कि मुझे विवाह नहीं करना है, मैं उस लड़की से प्यार करता हूँ, उसे धोखा भी नहीं दे सकता, और अगर मैंने विवाह कर लिया तो वो लड़की अपने दिल में क्या सोचेगी कि मैं एक गरीब थी इसलिए राजकुमार ने मेरे साथ में विवाह नहीं किया। नारायण भगवान समझाते हैं लक्ष्मी, अब उसके ऊपर बहुत बड़ा संकट पड़ गया जिसे धर्म संकट कहते हैं। वो करे तो करे क्या, ना तो अपने पिता से कह सकता है और ना अपना विवाह ही कर सकता है। तो उसने एक योजना बनाई, उसने विचार किया कि मुझे विवाह भी नहीं करना है और अपने पिता को भी नहीं बताना है, तो अब एक काम करें, अब जो कोई उसकी शादी की लेकर के अपनी लड़की का रिश्ता लेकर के उस राजकुमार के पास में आता है तो वो राजकुमार केवल एक बात कह देता है कि हम तुम्हारी लड़की से विवाह तो कर लेंगे, लेकिन कब करेंगे? अगर अपनी लड़की से पूछ करके आओ कि आपकी लड़की मेरी एक शर्त होगी, अगर आपकी लड़की उस शर्त को माने तो हम विवाह कर सकते हैं। वो राजा पूछते हैं, कहो तुम्हारे ये शर्त क्या है? तो वो राजकुमार कहता है कि हम सुबह उठ करके रोजाना और अपनी पत्नी के यानी जिसके साथ में हमारा विवाह होगा उसके सर में 5 जूता मारा करेंगे। राजा लोग विचार करने लगे, बोले बड़ा पागल राजकुमार है ये, ऐसा कौन करता है जो अपनी पत्नी के सर में रोजाना उठ करके जूता मारता है, हैं? बोले तुम्हारे जैसे 1000 राजकुमार हमें मिल जाएंगे, हमारी बिटिया कोई ज़्यादा नहीं है जो हम ऐसी स्थिति में तुम्हारे साथ में शादी करके जाएं। इतना सोचने के बाद में और सब राजा लौट जाते हैं। अब जो उस राजकुमार का पिता था यानी उस नगर का राजा, वो विचार कर रहा है
इतने राजा आते हैं, इतने हमारे लड़के की शादी वाले आ रहे हैं, लेकिन शादी कोई क्यों नहीं हो रही है, इसका कारण क्या है? उसने गुप्तचर लगाए कि इसका कारण ढूंढिए, इसका कारण पता करिए कि हमारे लड़के की शादी वाले सब आते हैं लेकिन वो चले क्यों जाते हैं, इसमें कोई ना कोई रहस्य जरूर है। नारायण भगवान समझाते हैं लक्ष्मी, सुनिएगा ध्यान लगा करके। अब एक पड़ोस का एक राजा था, वो अपनी बिटिया का रिश्ता लेकर के आया, और जब रिश्ता लेकर के आया उसने राजा से बात की तो राजा ने कह दिया हाँ कोई दिक्कत नहीं है, विवाह करिएगा, बस ये देख लीजिएगा जितना सुंदर हमारा राजकुमार है उतनी सुंदर राजकुमारी होनी चाहिए। उस लड़की का पिता कहने लगा हाँ महाराज, जितनी सुंदर आपकी राजकुमार है उतनी सुंदर हमारी राजकुमारी है। तो वो राजकुमार बोला है महाराज मैं आपसे अकेले में एक बात करना चाहता हूँ। तो जो लड़की का पिता था वो उठ करके उसके साथ में चला जाता है, तो वो राजकुमार तो वही एक बात रोजाना रट लगाए था, उसने कहा हम आपकी लड़की के साथ में विवाह तो कर लेंगे लेकिन मेरा ये शर्त है कि मैं अपनी पत्नी के सर में रोजाना सुबह उठ करके 5 जूते मारूंगा। वो राजा भी वही विचार करने लगा, बोले ये तो बिल्कुल पागल है, और पागल के साथ में हम अपनी बिटिया का विवाह नहीं कर सकते। विचार किया है कि ना तो स्त्रियों की कोख चलना बंद हो गया है, ना स्त्रियां बांझ हो गई हैं, तुम्हारे जैसे 1000 राजकुमार मिल जाएंगे और उनके साथ में हम अपनी बेटी का विवाह कर देंगे किसी अच्छे से राजकुमार को देख करके, लेकिन ऐसे पागल के साथ में हम अपनी इतनी सुंदर सुशील बिटिया का विवाह नहीं कर सकते। ऐसा विचार करने के बाद वो राजा वहां से चल देता है, लेकिन जैसे ही अपने घर पहुंचता है तो घर पहुंचा तो राजा रानी दोनों आपस में बात कर रहे थे। रानी ने पूछा है कि तुम अपनी बिटिया के लिए रिश्ता देखने के लिए गए थे, लड़का देखने के लिए क्या हुआ? तो राजा कहने लगा महारानी लड़का बहुत सुंदर था, कोई बात की किसी भी बात की कमी नहीं है, वो राजा भी बहुत अच्छे हैं जो उसके पिता हैं, लेकिन कुछ पागल लड़का है। बोले क्यों? बोले उसने ऐसे ऐसे बात कही है कि हम अपनी पत्नी के सर में और सुबह उठ करके जूता मारेंगे 5, और अगर इस बात पर कोई लड़की राजी हो तो विवाह करे, तो हमारे पास में बिटिया एक बेटी है, वो भी इतनी बिटिया फालतू नहीं है जो हम किसी ऐसे पागल राजकुमार के साथ में विवाह करते। मेरे भैया, अब क्या था, वो लड़की चुपचाप खड़ी देख रही थी, लड़की चुपचाप खड़ी खड़ी सुन रही थी। उसने विचार किया, बोले वाह ये कैसा राजकुमार है, अनोखा राजकुमार है ये, जो अपनी पत्नी के सर में उठक करके जूता मारेगा। वो राजकुमारी तुरंत दौड़ करके अपने पिता के पास में आई, बोले पिताजी अब मेरा विवाह आप उसी राजकुमार के साथ में कर दीजिए। राजा कहने लगे, बोले बेटा तुम पागल हो क्या, हैं वो पागल है उससे बड़ी तुम पागल हो, अरे ऐसा कोई भला कौन करता है जो अपनी पत्नी के सर में सुबह सुबह उठ करके जूता मारे, और वो भी रोजाना 5, बेटी कब तक सहन करोगी? बेटी कहने लगी है वो तो समय बताएगा कि वो मेरे सर में मारेगा या कुछ और ही होगा, बस आप विवाह कर दीजिए, हम भी तो देखें वो कैसा राजकुमार है जो उसने ऐसी एक अलौकिक अनोखी शर्त कैसे लगाई है। भगवान नारायण समझाते हैं लक्ष्मी, सुनिएगा, जब वो बेटी ज़्यादा हट कर जाती है, जब वो बेटी नहीं मानती है किसी भी प्रकार, तो उसके पिता मजबूर हो जाते हैं, और माँ बाप मजबूर हो करके और उस लड़के के पास में पत्र भिजवा देते हैं, बोले हम अपनी बेटी का विवाह करने के लिए तैयार हैं, तुम्हारी जो शर्त है उस शर्त को हम मानेंगे। पत्र भेजा है उसके साथ में, जब पत्र राजा के पास में पहुंचा है, जो उस राजकुमार का पिता था उसने पत्र देखा तो उसने पढ़ा नीचे कि इसमें शर्त मानने की कौन सी बात रही, हमने तो कोई शर्त नहीं रखी। तो उसने अपने बेटा को बुलाया, बोले बेटा तुमने और उस राजा से कोई शर्त लगाई थी अपने विवाह में? बोले हाँ पिताजी लगाई थी। बोले क्या? बोले ये शर्त लगाई थी। राजा कहने लगे, बोले बेटा तुम पागल हो गए हो, हैं उस राजा ने और उसको बुलवाया अपने पास में? बोले महाराज ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारा राजकुमार कुछ ऐसा ही है, इसने कुछ बोल दिया होगा। राजकुमार कहने लगा नहीं पिताजी, अगर इस बात में ये राजी हो, इस बात में इनकी बेटी अगर इस शर्त को मानने के लिए तैयार हो तभी हम विवाह कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। वो राजा तैयार हो गया, बोले हाँ मेरी बेटी इस बात को तैयार है। राजकुमार फंस जाता है चारों तरफ से, बोले प्लान था हमारा विवाह ना हो लेकिन ये इस बात पर भी तैयार हो जाता है, अब क्या था, अब तो पिता की बात माननी पड़ेगी। मेरे भैया बारात लेकर के पहुँच जाते हैं उस बेटी वाले के द्वारे पर, और जब बारात पहुँची है तो सखियों ने देखा जितनी उस लड़की की सहेली थी, विचार कर रही हैं ये तो बहुत सुंदर है देखने में लेकिन हमने सुना है इसकी बुद्धि थोड़ी कमजोर है। उसने उन अपनी सहेली से कहा जो राजकुमारी थी, बोले राजकुमारी तुम इसके साथ में विवाह क्यों कर रही हो, ये तो पागल है, जीवन कैसे कटेगा? राजकुमारी कहने लगी अब तो जो पागल है या नहीं है या कितना चतुर है ये तो हम वहीं पर पहुंच करके देखेंगे, लेकिन इसकी जो शर्त है उस शर्त के पीछे हमने विवाह किया है, इसने शर्त लगाई है कि हम सुबह 5 जूता मारेंगे, तो अब समय बताएगा कौन जूता मारेगा और कितने जूता ये हमें मारेगा या कुछ और हुई कुछ और ही होगा। नारायण भगवान बोले ही लक्ष्मी सुनिएगा ध्यान लगा करके, अब कहानी में कुछ अलग ही इंटरेस्ट आने वाला है। जब वो साथी होकर के घर में पहुंचे हैं तो सुबह हुआ, रात्रि जैसे तैसे व्यतीत की है, सुबह उठते ही अपनी आंखों को मीटता हुआ वो राजकुमार आया है और आकर के अपनी पत्नी से कहने लगा है, बोले देखो शर्त के अनुसार सुबह हो गया है और हम तुम्हारे सर में 5 जूता जरूर लगाएंगे। वो राजकुमारी कहने लगी है, बोले तुम पागल हो क्या, हैं बिल्कुल पागल हो।
हमने ये नहीं मना कर रहे हैं कि आप जूता मत मारना, आप जूता मार लेना, लेकिन आज नहीं। बोले फिर? बोले एक काम करो, आप कल मार लेना, और आज के 5 कल के 5, 10 जूता आप कल इकट्ठे मार लेना, क्योंकि आज घर में और जितने भी ये लोग हैं, ये बहू का मुख देखने के लिए आते हैं। देखो आप भी जानते हो कि ये कुछ नियम होता है कि अगर घर में शादी होकर के आए तो औरतें इकट्ठा होकर के उसका मुख देखने के लिए जाती हैं। तो ये मोहल्ले की औरतें हैं, ये सब हमारा चेहरा देखने के लिए आ रही हैं, ये भीड़ लगी हुई है। तो देखो इसमें तुम्हारी भी बेइज्जती है और हमारी भी बेइज्जती है। एक काम करना, हाँ जूता मार लेना, आप जरूर मार लेना, हम मना नहीं करेंगे आपसे, लेकिन कल आप इकट्ठे 10 मार लेना। मेरे भैया उस लड़की ने एक दिन टाल दिया। अब दूसरा दिन हुआ, दूसरे दिन राजकुमार सुबह उठते ही फिर आया, बोले अब तो 10 जूता हम तुम्हारे सर में मारेंगे शर्त के अनुसार। वो राजकुमारी कहने लगी है, बोले हाँ मार लेना, हम मना नहीं कर रहे हैं। अच्छा एक काम करना, आप रोजाना अपने इकट्ठे करते जाओ और एक दिन आप जितने भी तुम्हारे जूता हो जाएं आप गिनती करके सब इकट्ठे मार लेना। लेकिन अभी नहीं, देखो घर में बहुत सारे रिश्तेदार रुके हुए हैं और सब लोग रुके हुए हैं। ये लोग क्या सोचेंगे कि ये राजकुमार बिल्कुल पागल हैं? महाराज मैं ये नहीं चाहती कि मेरे पति को कोई पागल कहे या मेरी बेइज्जती हो, इसलिए एक काम करो आप दिन गिनते जाओ, जितने दिन हो जाएं उस हिसाब से आप इकट्ठे मार लेना, इन सबको यहां से जाने दो। मेरे भैया वो बेटी बहुत बड़ी चतुर थी। नारायण भगवान समझाते हैं, लक्ष्मी सुनिएगा कितनी बड़ी चतुर बेटी है। अब जब 2-4-6 दिन व्यतीत हुए, सब लोग घर से चले जाते हैं, तो राजकुमार को क्रोध आ गया। राजकुमार ने कहा हम तुम्हारी बातों में नहीं आने वाले, आज 6 दिन हो गए और 30 जूता आज हम तुम्हारे सर में मारेंगे, ध्यान रखना। वो राजकुमारी अब रुका नहीं गया। उस राजकुमारी ने क्रोध में आकर के कहा, क्यों तुम क्यों मारोगे हमारे सर में जूता? क्या तुम कुछ खिला रहे हो हमें या हमने तुमसे कोई उम्मीद? अभी तक तो कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि हमने आज तक अब आपके शरीर को छुआ तक नहीं है। दूसरी बात यह है कि आपका हम खा नहीं रहे हैं, हम खा रहे हैं अपने ससुर का। और जिस दिन तुम कमाने योग्य हो जाओ, जिस दिन तुम खुद कमा करके लेकर के आओ, उसमें से अगर हम एक दाना कुछ खाएं तब आप जूता मार लेना, उस दिन आपका हमारे ऊपर हक होगा। या जिस दिन हम आपके शरीर को टच करें या जिस दिन आप हमारे शरीर को टच करो, उस दिन आप हमें मार लेना, उससे पहले नहीं मार सकते। राजकुमार के दिल में बात बैठ गई। मेरे भैया राजकुमार के दिल में बात ऐसी बैठी, विचार करने लगा अब तो हमें कुछ करने के लिए जाना चाहिए। अपने पिता के पास में पहुंचा है और पिता के पास में जाकर के कहा, पिताजी हमें कुछ धनमाल चाहिए, जो हम कुछ धन कमाने के लिए जाना चाहते हैं। पिता कहने लगे, बोले राजकुमार क्या कर रहे हो तुम हैं? तुम इस नगर के राजकुमार और होने वाले राजा हो, कुछ समय बाद तुम यहाँ के राजा हो गए और तुम धन कमाने के लिए जाना चाहते हो? बोले नहीं पिताजी, हम जानेंगे व्यापार करने के लिए जरूर जाएंगे। मेरे भैया अपने पिता से एक पानी का जहाज लिया और पानी के जहाज में बैठ करके समुद्र पार करके दूसरी तरफ निकला है। तो दूसरी तरफ जैसे ही समुद्र के किनारे वो राजकुमार पहुंचा है, तो वहां पर कुछ ठग लोग बैठे हुए थे। उन ठग लोगों ने ठगी करके उससे वो राजकुमार से जहाज भी ले लिया, जितना भी धन दौलत जो कुछ भी था वो सब कुछ वापस ले लिया। नारायण भगवान समझाते हैं, लक्ष्मी सुनिएगा, आप धीरे धीरे नगर में घूम रहा है, कोई हमें नौकरी पर रख लो, कोई हमें कुछ देते रहना, हम आपके यहाँ नौकरी करना चाहते हैं। तो एक ऐसे घर में पहुंचे जहां पर सरसों से तेल निकाला जाता था, यानी यहां पर तेल का काम होता था। सरसों को की पिराई करने के बाद में उसमें से तेल और खल बनाई जाती थी। एक बैल था, बैल में कोल्हू लगा हुआ था और उसी के यहाँ पर जाकर के काम मांगा है। तो उस सेठ ने अपने यहाँ पर काम पर उसे रख लिया है। अब तो पूरे दिन बहुत मेहनत करते हैं और बहुत मेहनत करने के बाद में शाम को एक टका देता है केवल वो सेठ। नारायण भगवान कहते हैं, लक्ष्मी अब एक टेक टका करके रोजाना इकट्ठे करते चले जा रहे हैं। अब जब एक महीने का समय हो गया तो उस पत्नी को चिंता हुई, बोले मैंने पत्नी अपने पति से कुछ कह दिया, उसके कारण वो चले गए हैं, अब हमें ढूंढना चाहिए कहीं जाकर के। तो अपनी सास से आज्ञा लेकर के, सास से कहा है कि हमारे पिया नाराज होकर के चले गए हैं, तो हम उसे ढूंढना चाहते हैं, जाना चाहते हैं। सास ने कह दिया, जाओ बेटा चले जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ढूंढ करके लेकर के आओ। तो आज वो स्त्री चली है, पानी के जहाज में सवार होकर के कुछ अपने सैनिकों को साथ में लेकर अश्व पर सवार होकर के चली, उसी पार दूसरे पार समुद्र पर पहुंची है, तो देखा है कि वहां पर पानी का जहाज खड़ा हुआ है। उस स्त्री ने पहचान लिया, यही हमारे पति का जहाज है। उसी समय पर उन ठगों को पकड़वा करके उस सैनिकों से बनवा लिया गया है, कहा गया है कि ये हमारे पति का जहाज है, इसे वापस दीजिएगा। तो उन सब ठगों को पकड़वा करके जेल खाने में डलवा दिया। उसके बाद में अपने पति को ढूंढती हुई वो स्त्री आगे बढ़ी है। जब आगे बढ़ी, लेकिन एक समस्या थी, वो स्त्री गई कैसे? वो स्त्री गई थी मर्दाना भेष बना करके, यानी साड़ी बाड़ी कुछ नहीं पहनी उसने, उसने केवल पैंट शर्ट पहन करके और जो राजकुमार का भेष था उस राजकुमार के भेष में, यानी लड़के का रूप बना करके गई थी, किसी से पहचान ना हो। मेरे भैया अब धीरे 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 जो जैसे नगर में वो राजकुमार नौकरी कर रहा था उसी नगर में पहुंच जाती है। लेकिन विधि के विधान को कोई मेट नहीं सकता है, लक्ष्मी ध्यान रखना।
उस नगर का जो राजकुमार था वो मिल जाता है। और जब एक सामने एक सुंदर राजकुमार को देखता, हालांकि वो राजकुमारी थी लेकिन राजकुमार के गेटअप में गई हुई थी, तो जब उसे सामने देखता है तो उससे मित्रता हो जाती है, और जब मित्रता हो जाती है अपने घर पर ले जाता है। अब धीरे धीरे मित्रों में बातें होने लगी हैं। जब मित्रों में बातें हुई तो उसने सारा हाल बताया है, बोले हम यहाँ पर किसी की तलाश में आए हैं। तो वो राजकुमार कहने लगा है कि आप मेरे पूरे नगर में घूम करके अपने जो कोई भी है तुम्हारे उनको ढूंढ लीजिएगा, अगर मिल जाएं तो उनको अपने साथ ले जाइएगा मेरे भैया। अब वो स्त्री घर घर जा करके ढूंढती है तो देखा है कि एक बैल के साथ में कोल्हू में लगे हुए उनके पति काम कर रहे हैं। अब उस स्त्री ने तो पहचान लिया, लेकिन उन बैल पर नहीं पहचना, हाँ बैल ही मानो उनको जो कोल्हू में बैल के साथ में लगे हुए जुते हुए काम कर रहे हैं उन पर नहीं पहचनी, क्योंकि वो लड़के के भेष में थी। उसने कहा है उस सेठ को बुला करके कि हमें कुछ तेल चाहिए। बोले कितना चाहिए? बोले हमें बहुत सारा तेल चाहिए। बोले इतना धन चाहिए? बोले हाँ, जो दरिया है, जो समुद्र है, उस समुद्र के किनारे हमारा जहाज खड़ा हुआ है, उस जहाज में यहाँ से तेल लदवा दीजिएगा और वहाँ से हम धन वापस दे देंगे। और ध्यान रखना, ये तुम्हारा जो नौकर है इस नौकर को हम अपने साथ ले जाना चाहते हैं। उसने कह दिया इस नौकर को बेचने का इतना धन है, इसे अगर तुम ले जाना चाहती हो तो इतना धन तुम्हें देना पड़ेगा। उतना धन चुकाने के बाद में वो राजकुमारी अपने पति को छुड़ा करके लेकर के चली है, कुछ तेल लिया है, लेकिन उस पति ने नहीं पहचान पाया कि ये मेरी पत्नी है। अब वो पति तो इस खुशी में है कि मेरी पत्नी, अब मैं एक महीने बाद जा रहा हूँ तो बहुत सारे जूता इकट्ठे हो गए, ये धन लेकर के जा रहा हूँ, ये धन जा करके अपनी पत्नी को दूंगा, तो इसके बदले में और मैं एक महीने के गिनती किए हुए जूते उसके सर में मारूंगा। लेकिन वो नहीं पहचान पाया कि मेरी पत्नी ही मुझे छुड़ा करके लेकर के आई है। नारायण भगवान समझाते हैं, लक्ष्मी सुनिएगा ध्यान लगा करके। अब जब धीरे धीरे आगे बढ़े तो उस राजकुमार ने अपनी पत्नी से, यानी जो राजकुमार बना हुआ था, पहचान नहीं पाया, उससे कहा है कि अगर तुम इसी दिशा में चल रहे हो तो इसी दिशा में हमारा घर है, और आप अगर आपकी आज्ञा हो जाए तो आप हमारी एक स्त्री है हमारे नगर में, उससे हमें मिलवा दो। स्त्री, वो पत्नी कहने लगी कौन स्त्री है? तो उस राजकुमार ने अपनी पत्नी के बारे में नहीं बताया, बल्कि जिस लड़की से प्यार था उस लड़की के बारे में बताया है। बोले उस लड़की से हमें मिलवा दीजिएगा। पत्नी को बहुत ज़्यादा क्रोध आ गया। मेरे भैया, धीरे धीरे ना जहाज और उस नगर की सीमा में पहुंच जाता है, किनारे पर लग जाता है। किनारे पर लगने के बाद में जैसे ही उतरे हैं उसी समय राजकुमार कहने लगा, ये तो हमारा नगर है, यहाँ के हम राजकुमार हैं और इसी नगर में हमारी प्रेमिका रहती है, आप हमें हमारी प्रेमिका से मिलवा दीजिएगा तो आपका बड़ा एहसान होगा। उसी समय वो स्त्री अपने वस्त्र उतार करके फेंक देती है, जो उसकी पत्नी थी और जो राजकुमार के भेष में थी वो उतार करके फेंक देती है और रानी के भेष में आ जाती है। उसने देखा, पैरों तले जमीन निकल गई, बोले मेरी पत्नी ही मुझे छुड़ा करके लेकर के आई है। अब तो क्रोध में आकर के अपने ससुर के पास में, यानी जो राजकुमार का पिता था, उसके पास के लिए दौड़ी है। बोले आज तुम्हारी सारी करतूत तुम्हारे पिता को जाकर के बताएंगे, तब देखेंगे क्या होगा। तो वो राजकुमार पीछे पीछे दौड़ रहा है, बार बार हाथ जोड़ता है, बोले माफ करना, अब तक जितना हुआ उसको सबको क्षमा करना, जूता मारना तो बहुत दूर, आप उल्टे हमारे सर में मार लो, लेकिन मेरे पिता से कोई बात मत कहना, मेरे पिता को मत बताना। तो हे लक्ष्मी, तुमने उस स्त्री और पुरुष को देख लिया है, वो उसकी पत्नी है, बार बार उसी बात की मना कर रहा है कि किसी से कुछ कहना मत। तो आपका जो प्रश्न था उसका जवाब हम देते हैं, अगर स्त्री अपने दिमाग से काम करे तो उसका पति भी बस में हो जाता है, चाहे कितना भी खतरनाक पति हो वो भी बस में आ सकता है। पहले प्रश्न का तुम्हारा उत्तर यही है कि कौन सा काम करने से पति बस में हो जाता है, तो अगर अपने दिमाग से अपने पति से सच्चा प्रेम करे तो वो पति अपने आप बस में आ जाता है। और आपका दूसरा प्रश्न ये है कि संसार में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? तो संसार में चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे कोई हो, संसार में सबसे बड़ा मूर्ख वही है जो समय आने पर अपनी बुद्धि से फैसला नहीं लेता है। चाहे कितना भी बड़ा चतुर सही, लेकिन समय आने पर अपनी बुद्धि से फैसला नहीं ले पाता, उससे बड़ा संसार में कोई मूर्ख नहीं होता, वही सबसे बड़ा मूर्ख होता है। दोस्तों, ये कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की थी, ये हेमराज सिंह मौर्य हैं बरेली से, इन्होंने नाम लेने की अपील की थी, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये रोहित सांडिल्य कानपुर से, इन्होंने नाम लेने की अपील की थी, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये रंजीत सिंह जी हैं नेपाल से, इन्होंने नाम लेने की अपील की थी, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये रोहित झा जी हैं हरदोई से, इनका आज जन्मदिन है, तो बहुत बहुत जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को हमारी ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखें। कल फिर मिलते हैं किसी एक नई कहानी, एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए सभी लोग आनंदित रहें, खुश रहें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राम।